नमस्कार, गाजीपुर की टॉप 5 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। मंगलवार को जिला प्रशासन ने IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी एवं साला की नगर के सैयदबाड़ा में स्थित आवासीय भवन को मुनादी के बीच कुर्की करने की कार्रवाई की, जबकि लखनऊ में गोमती नगर में स्थित आवासीय फ्लैट को कुर्क करने के लिए जिला पुलिस टीम की लखनऊ के लिए रवाना हो गई। सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला ने बताया कि प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध चल रहे अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी MP सिंह ने पुलिस की आख्या पर विचार उपरांत 2 अगस्त को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी वसाले सरजील रजा की लगभग 2,18,00,000 लागत की निम्नलिखित संपत्तियों की कुर्की के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के क्रम में मंगलवार को नगर के सैयदबाड़ा में स्थित आवासीय भवन अनुमानित लागत 1,18,00,000 को मुनादी कराकर कुर्क करने की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी MP सिंह ने राइफल क्लब सभागार में बुधवार को विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने पर जल निगम के सहायक अभियंता KS मिश्रा, सहायक अभियंता पारसनाथ प्रजापति व जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ कहा कि पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले सचिवों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य में जितना दिन विलंब होगा उनके दिन का वेतन बाधित किया जाएगा। उन्होंने DPRO को पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालयों को पूर्ण एवं अधूरे निर्माण कार्यों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूर्ण होने पर जियो टैगिंग अवश्य कराया जाए। ग्राम पंचायतों में बजट उपलब्ध होने के बावजूद व्यय न होने पर कार्रवाई की जाएगी। हैंडपंप रिबोर के सत्यापन को लेकर जानकारी ली। अब तक जल निगम द्वारा स्थानांतरण न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपस्थित जल निगम के सहायक अभियंता KS मिश्रा पर कार्रवाई का निर्देश दिया। PMJSY की समीक्षा के दौरान सहायक अभियंता पारसनाथ प्रजापति के द्वारा प्रतिभाग न करने के कारण शासन की योजना की समीक्षा नहीं की जा सकी। नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने तक तथा बैठक में उपस्थित न होने के कारण वेतन काटने का निर्देश दिया। SP के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बारा चौकी प्रभारी कृष्ण प्रताप सिंह सुबह हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान करीब 8:30 बजे भतौरा पुलिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से 180 cc देसी शराब के साथ ही 12 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद किया। चौकी प्रभारी ने बताया कि गिरफ्त में आया व्यक्ति बिहार बक्सर जिला के मुफस्सिल थाना के न्यायपुर गांव निवासी विकास शर्मा है। पूछताछ में उसने बताया कि शराब लेकर बिहार जा रहा था। लंबे समय से शराब तस्करी का कार्य में लिप्त है। अभियुक्त का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में चौकी प्रभारी के साथ हेड कांस्टेबल विजय कुमार, कांस्टेबल इम्तियाज अली, कांस्टेबल विपुल पाठक, कांस्टेबल विनोद कुमार सिंह, कांस्टेबल अंकित सिंह और कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार मौर्य शामिल थे। आदात पुलिस ने मंगलवार को क्षेत्र कटिया चट्टी के पास महिला की अश्लील फोटो खींचने के आरोपी को गिरफ्तार किया। संबंधित धाराओं में उसका चालान कर दिया। थानाध्यक्ष रामाश्रय राय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके मद्देनजर हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी बीच क्षेत्र के कटिया चट्टी के पास क्षेत्र के डहरमौवा उर्फ कौड़ा निवासी रविकांत यादव को गिरफ्तार किया। SO ने बताया कि फंदे में आया अभियुक्त फौज में नौकरी करता था। एक पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका अश्लील फोटो खींचकर पीड़िता को मोबाइल पर भेजता था तथा उसे जान से मारने की धमकी देता था। पीड़ित ने इस मामले में नामजद तहरीर दिया था। मुकदमा दर्ज पंजीकृत कर आरोपी की तलाश की जा रही है। इसी क्रम में आज गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में उसका चालान कर दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में SO के साथ उप निरीक्षक महेंद्र कुमार यादव और कांस्टेबल शफीक अहमद शामिल थे। मोहम्मदाबाद स्थित ट्रामा सेंटर टीकाकरण केंद्र पर मंगलवार की अपराहन टीका लगवाने पहुंची सिलाईच गांव की शिक्षिका कौशल्या देवी का सोने की चेन भीड़ का लाभ उठाते हुए एक महिला ने काट लिया। चेन कटने की जानकारी होते ही मौजूद महिलाओं ने चेन काटने वाली को पकड़ लिया। इसकी जानकारी होने पर पुलिस चेन स्नेचर महिला को पकड़कर थाने ले गई। कौशल्या देवी इस संबंध में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस की पूछताछ में महिला ने अपना नाम सुनीता, पत्नी सुरेश, बड़ा लालपुर वाराणसी बताया। उसके साथ की 2 महिलाएं मौके से फरार हो गईं। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।